हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कैसे आप भी अपने रेडमी के फ़ोन में फ्रेंड्स वॉलपेपर सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। और आज की वीडियो का टाइटल फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हो, आज की वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। चलो फ्रेंड्स जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है वॉलपेपर को सेट करने के लिए। वॉलपेपर को सेट करने के लिए पहले आपको जाना है फ्रेंड्स यहाँ पे वॉलपेपर पे, और वॉलपेपर पे क्लिक करने का फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको वॉलपेपर में जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके कस्टम वॉलपेपर शो कर रहे हैं और यहाँ पर आपके सिस्टम वॉलपेपर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिस्टम वॉलपेपर। तो फ्रेंड्स आप सिस्टम वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना जो भी वॉलपेपर आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये वाला वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ और अप्लाई करते फ्रेंड्स। यहाँ पर आप होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पे सेलेक्ट कर लो। और आप चाहते हो दोनों पे लग जाए तो आपको सेट बोथ पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ऑटो वॉलपेपर है, तो यहाँ पर आप अपने ऑटो वॉलपेपर को भी ऑन कर सकते हो। और नहीं करना चाहते तो फ्रेंड्स यहाँ से हट जाना, आप इसको टर्न ऑफ क्लिक कर देना और आपका जो ऑटो वॉलपेपर है वो ऑफ हो जाएगा, फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने स्क्रीन को लॉक कर लो। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स होम स्क्रीन वॉलपेपर और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर दोनों के दोनों सेम वॉलपेपर हमारे फ़ोन में सेट है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो बस वॉलपेपर होम स्क्रीन पर शो करे और लॉक स्क्रीन पर आप दूसरा वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वॉलपेपर में जाना है, आप ऑनलाइन वॉलपेपर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप अपने मोबाइल डाटा ऑन करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो लॉक स्क्रीन के लिए मैं यूज़ करूँगा वॉलपेपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये वाला वॉलपेपर लॉक स्क्रीन के लिए यूज़ कर लेता हूँ अप्लाई पे क्लिक करके, और होम स्क्रीन वाला वॉलपेपर ऐसे ही रहने देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे ये वाला वॉलपेपर है और लॉक स्क्रीन पे ये वाला वॉलपेपर है जो भी हमने सेलेक्ट करा था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वॉलपेपर वगैरह सेट और चेंज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आप वापस से सेटिंग में जाओ और फ्रेंड्स यहाँ पर आप वॉलपेपर को सर्च कर लो। तो फ्रेंड्स आप शॉर्टकट सेटिंग से वॉलपेपर को भी सेट वगैरह कर सकते हो, ऐसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वॉलपेपर पर आ जाओगे। और यहाँ पर आप प्लस वाले पे क्लिक करके जो भी आपका डाउनलोडेड वॉलपेपर फ्रेंड्स आप उसको भी लगा सकते हो। अगर वो गैलरी में है आपके फाइल्स में तो आप उस पर क्लिक कर लो, जो भी आपका डाउनलोडेड वॉलपेपर है फ्रेंड्स आपको उसको ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा ऐसे, यहाँ से मैंने पहले से ऐड कर रखा है इस वाले को, तो यहाँ पर मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ। तो ये वॉलपेपर हमारे फ़ोन में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आप किसी वॉलपेपर पे क्लिक करके डाउनलोडेड वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर ऑटो वॉलपेपर यूज़ करना चाहते हो मैं आपको बताता हूँ, ऑटो वॉलपेपर भी आप इस पर क्लिक करोगे उस पर आ रहा है, यहाँ से ऑन करके रख दोगे तो आपका ऑटो वॉलपेपर रहेगा और नीचे वाले पे ऑफ होता है और यहाँ पर आपका डाउनलोडेड वॉलपेपर सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो भी आपने सेट कर डाउनलोड कर रखा वॉलपेपर यहाँ पर वो सेट हो चुका है, देख सकते हो लॉक स्क्रीन पर भी और होम स्क्रीन पर भी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वॉलपेपर फुल सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। वॉलपेपर वगैरह आप इस तरीके से सेट और चेंज कर सकते हो आप अपने रेडमी के फ़ोन में। और यहाँ पर अगर आपको सिस्टम वॉलपेपर यूज़ करना है तो सिस्टम, और अगर आपको डाउनलोड वॉलपेपर यूज़ करना है तो आप डाउनलोड सेलेक्ट कर लो और आप सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो आइकन स्टाइल वगैरह अगर आपके फ़ोन में है तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हो, क्लासिक रखना चाहते हो क्लासिक और यहाँ चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपने डाउनलोड कर रखा फ्रेंड्स आपको इसके लिए फ़ोन को रीबूट करना पड़ेगा तब ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा आपके फ़ोन में। तो आप इस तरीके से वॉलपेपर सेटिंग यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।